हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने स्पीड डब्ल्यूएस चैनल पे। तो आज जो मैं आपके सामने डॉग ब्रीड लाया हूँ जिसका नाम है यॉर्कशायर टेरियर, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस डॉग ब्रीड का प्राइस क्या होना चाहिए इंडिया में, और इसके अलावा इससे जुड़ी कई रोचक जानकारियाँ मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ जिसके बेस्ड पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस डॉग ब्रीड को पालना चाहिए या नहीं, यह डॉग ब्रीड आपके लिए सूटेबल है या नहीं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पर जैसा मैं हमेशा रिक्वेस्ट करते आया हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिले इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करने का। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो फ्रेंड्स, यह जो छोटा सा क्यूट डॉग है यॉर्कशायर टेरियर, इसका ओरिजिन इंग्लैंड से है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से है, और इसे डेवलप किया गया था इसलिए ताकि जो चूहे बिल में या सुरंग में घुसे होते हैं उनको पकड़ के मारा जा सके। और क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है इन डॉग्स का, तो ये काफ़ी स्मार्टली उन चूहों को पकड़ सके, मार सकते हैं, इसलिए इनका ब्रीड डेवलप किया गया था। जहाँ तक इनके लाइफ स्पैन की बात है, ऐसा माना जाता है कि यूजुअली ये 14 to 16 ईयर आराम से जी सकते हैं, और अगर आप इनका हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देंगे तो आराम से 17 to 18 ईयर्स भी जी सकते हैं किसी किसी केसेस में। और जहाँ तक इनकी वेट का बात है, वजन का बात है, इनका वेट 4 to 6 kg के बीच हो सकता है, और हाइट लगभग 8 to 9 inches तक हो सकता है। तो आइए फ्रेंड अब जानते हैं यह डॉग किन लोगों के लिए है। तो फ्रेंड्स, यह डॉग उन लोगों के लिए है जो उस तरह का एक कंपेनियन डॉग ढूंढ रहे हैं, जिन्हें घुमाने फिराने का कोई टेंशन नहीं हो, जिन्हें एक्सरसाइज कम से कम कराना पड़े, कुल मिला के उन्हें वॉक पे कम ले जाना पड़े, वो जिनके पीछे वो टाइम कम दे सके, तो उनके लिए बिल्कुल ठीक है। यह सिटी के लिए बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास 2 BHK, 3 BHK या 4 BHK फ्लैट है, अगर आप फ्लैट में रहते हैं, किसी सिटी में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो उनके लिए यह एक बेहतरीन डॉग साबित हो सकता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों, 4 साल से छोटे बच्चे हों, तो उस केस में इस डॉग ब्रीड को रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स अब जानते हैं यह डॉग किस स्टेट्स में आसानी से पाला जा सकता है। पर उसके पहले यह आपको जानना ज़रूरी है कि यह किस क्लाइमेट में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं भी ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, या हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट हो, चिपचिपा क्लाइमेट हो, या काफ़ी ठंड पड़ती हो, तो उस जगह के लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्योंकि यह टॉय ब्रीड है, काफ़ी छोटा ब्रीड का डॉग है, मोस्टली लोग इसे घर के अंदर या फ्लैट में रखते हैं, तो उस केस में आप इसे पाल सकते हैं, बशर्ते कि आपके घर में AC हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गुजरात में रखना चाहते हैं जहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती हो, तो गर्मी के समय आपको इसे AC में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जहाँ तक इनके टेम्परामेंट की बात है, इनके साइज़ पे आप बिल्कुल मत जाइएगा। ये अपने आप को बॉस समझते हैं, और कई बार तो बड़े डॉग से भी फाइट कर जाते हैं। इनको मालूम नहीं होता ये कितने छोटे हैं, और अपने से काफ़ी बड़े डॉग ब्रीड जैसे जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर या लैब्राडोर, इनफैक्ट डोबरमैन जैसे डॉग से लड़ पड़ते हैं। इसीलिए जब भी आप इन्हें वॉक में ले जाएं, हमेशा लीज में रखें, हमेशा चेन से बांध के घुमाएं, ताकि आपकी आँखों से ओझल ना हो। फ्रेंड्स, इसलिए फ्रेंड्स जहाँ तक इनकी डाइट की बात है, यह काफ़ी कम खाना खाते हैं क्योंकि इनका साइज़ ही काफ़ी छोटा होता है, और जितना एक पोमेरियन डॉग खाना खाता है सेम एग्जैक्टली डाइट भी उनका उतना ही होता है। इसके अलावा इन्हें गोल्डन पेस्ट बीच बीच में जरूर दिया करें, फिर अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन कमेंट में नीचे देके पूछिए, मैं हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, मैं लास्ट रिक्वेस्ट फिर से है कि मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।